हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर 7 है, फ्रैक्शंस है, जो तो आपको पहले इसको हो चुका है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करती हूँ। फ्रैक्शंस का यहाँ नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें ट्रू बनाना है स्टेटमेंट्स को। नंबर 1, वन पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स of an object is represented by the fraction। देखिए 5 पार्ट में से क्या है, टोटल हम नीचे लिखेंगे जो है और उसको ऊपर लिखेंगे। न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे, डेनोमिनेटर में 5 लिखेंगे, तो क्या होगा 5 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट, और किस में से 5 पार्ट में से 1 पार्ट है। 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 5, तो होगा हमारा आंसर 1/5। तो 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल टोटल जो पार्ट हम 5 नीचे लिखेंगे उसमें से 1 पार्ट, तो 1 ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में लिखेंगे 5, तो 1/5 क्या बनेगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन 1/5। नंबर 2, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 टोटल है, 8 पार्ट्स हैं उसमें से 3, तो 3 8 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/8। नंबर 3 इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो ऊपर होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे है उसे डेनोमिनेटर बोलते हैं, तो यह है न्यूमरेटर है, तो 4 इज द नंबर ऑफ द फ्रैक्शन 4/9, तो 9 इज द क्या है, न्यूमरेटर है, और जो 4 नंबर में है इज द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5/12, तो सो 12 इज द डेनोमिनेटर। हियर 4 इज न्यूमरेटर एंड हियर 12 इज द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5/12। नंबर 5, इफ द डेनोमिनेटर इज 15 एंड द न्यूमरेटर इज 8, देन द फ्रैक्शन इज रिटन, कैसे लिखेंगे, लिखा जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर 15 है, वो नीचे लिखेंगे और जो न्यूमरेटर है उसे हम ऊपर लिखेंगे, अवर आंसर इज कैसे लिखेंगे हम उसे, 8/15, ये न्यूमरेटर हो गया और ये 15 डेनोमिनेटर। नंबर 6, 7/11 इज रिटन इन वर्ड्स, हम जो फ्रैक्शन के इसमें लिखेंगे इसकी स्पेलिंग जो वर्ड्स लिखेंगे, तो यहाँ बनेगा 7/11, क्या पढ़ेंगे इसे 7/11। नंबर 7, 4/15 इज रिटन इन फिगर एज 4/15, कैसा बनेगा 4/15 3/4 और 15/20, देखिए हम 5 से करेंगे तो 5 3 15 और 5 4 20, अपना आंसर होगा 3/4 इज इक्वल टू 15/20। 9 नंबर, द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन 1, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, तो द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। नंबर 10, द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा होती है और प्रॉपर में 1 से कम होती है, तो द 10 नंबर में द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। नंबर 11, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसमें क्या है जो डेनोमिनेटर है तो वो छोटा होता है देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से वो छोटा होता है। 12 में है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डेनोमिनेटर। नंबर 13, इफ द न्यूमरेटर ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डिविजिबल
बाय इट्स डेनोमिनेटर देन इट इज अ होल नंबर, वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। नंबर 14, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, देखिए 2 टू जार 4 और 1 5, 5 अपॉन 2, 2 3 जार 6, 1 7, 7 अपॉन 2, हम देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 और प्लस करेंगे तो 7 और 5 12 होंगे, हम इसको लेंगे यहाँ से इसको डिवीजन डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12, हमारा आंसर इज 6। सो क्या है 14 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। नंबर 15 5 आवर्स इज डैश पार्ट ऑफ अ डे, हाउ मेनी कितने हैं 5 आवर्स हैं, कुल के डे के कितने आवर्स होते हैं 24, सो वी राइट हियर 5 अपॉन 24। नंबर 16 30 मिनट्स इज टोटल 60 होते हैं पार्ट ऑफ एन आवर, एक घंटे के 60 मिनट होते हैं और उसमें से 13 मिनट्स लेंगे तो 13 अपॉन 60। 17 7 सेकेंड्स इज 7 अपॉन 60 पार्ट ऑफ ए मिनट। 18 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 टू 10 इज 4 अपॉन 9 पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 टू 10। एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग, हमें सिलेक्ट करना है ब्रैकेट में से द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ से लेंगे यहाँ क्या आएगा 21 अपॉन 28 बिकॉज 73 इज अ 21 एंड 74 इज अ 28, सो वी राइट हियर 28। 2 नंबर 4 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, 4 एंड 5 5 होगा, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पर 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 5 अपॉन 4 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ लिखा है हम लेंगे यहाँ से 5 अपॉन 4 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 नंबर द सम ऑफ 3 एंड इज 7 अपॉन 2, वी राइट हियर 1 अपॉन 2, द सम ऑफ 3 एंड 1 अपॉन 2 इज 7 अपॉन 2, देखिए यहाँ पर होगा 3 1 अपॉन 2 तो 2 3 6 1 7, तो हम किसके ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2, तो 1/2 आएगा, तो यहाँ 2 3 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन 2 कब होगा जब उसमें हम 1/2 ऐड करेंगे, तो द सम कब बनेगा द सम ऑफ 3 एंड 1/2 इज 7 अपॉन 2। 6 1 इंटू इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 1 इंटू 1 अपॉन 4 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7 नंबर 18 अपॉन 9 इज होल नंबर, देखिए यहाँ पर 9 वन जर 9, 9 टू जर 18 इजीली क्या है यहाँ पर डिवीजन हो जाता है तो क्या आएगा ये होल नंबर कहलाता है, 18 अपॉन 9 इज अ होल नंबर। 8 देखिए है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल जो फ्रैक्शन होते हैं ऑफ 3 अपॉन 4 हैविंग डेनोमिनेटर 36 इज 27 अपॉन 36, ये कब बनेगा 9 का हम देखे टेबल एफ इसका लेंगे 36 तो 27 अपॉन 36। 36 इज 27 अपॉन 36, देखो 9 के टेबल में होगा 9 9 2 18, 9 3 27 एंड 9 4 36, कब ये आएगा 3 अपॉन 4
तो हम 27 अपॉन 36 लिखेंगे तब होगा। तो यहाँ एट नंबर है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 4 हैविंग डेनोमेटर 36 होगा डेनोमिनेटर, तो उसका क्या होगा न्यूमरेटर 27, तो 27 अपॉन 36। 9 नंबर 3 होल नंबर एंड 5 इलेवंस इज द फ्रैक्शन 35 अपॉन 11। 10 नंबर है 2 अपॉन 17, 6 अपॉन 17 एंड 12 अपॉन 17 आर लाइक फ्रैक्शन, न मिक्स्ड है न इम्प्रॉपर है पर एक जैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो 2 अपॉन 17, 6 अपॉन 17 एंड 12 अपॉन 17 आर लाइक फ्रैक्शंस। ये तो सबट्रूट 17th बोलते हैं, 6th एंड 12 17th आर लाइक फ्रैक्शंस। नंबर 11 2 9th प्लस 5 9th इज इक्वल टू लिखेंगे 7। देखो 5 और 2 के हम प्लस करेंगे तो 7 होगा, आप यहाँ पर अपन 9 होगा तो 7 9th कहलाएगा, ये 7 9th ही बोलते हैं, 7 अपॉन 9 7 9th। नंबर 12 8 13th माइनस 2 13th यहाँ पर होगा, 8 में से माइनस 2 करेंगे तो 6 होगा और 13 लेंगे तो 13, तो 6 13th। 13 नंबर है 3 4th प्लस 2 3rd इज इक्वल टू 1 × 5 / 12। 14 3 माइनस 2 × 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 15 द वैल्यू ऑफ 15th तो देखिए दोनों निकल जाएंगे तो रिमेनिंग 1 तो इज 1। नंबर 16 ऑन अ नंबर लाइन 9 5th इज बिटवीन 2 and 5 4 and 5 बट 1 and 2 वी राइट हियर 1 and 2। 7 है इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 9 upon 15 3 3s are 9 एंड 3 5s are 15 अपना आंसर रहेगा 3/5 3/5 यहाँ होगा तो ये होगा 9 upon 15। 18 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ 20 upon 25 तो 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ 5। 5 4s are 20 5 5s are 25 तो होगा 5 इज अ कॉमन फैक्टर है। 19 17 20th 17 25 25th ये क्या है लेस मोर देन है, ये 7 upon 23 मोर देन 7 upon 25। नंबर 27 10th माइनस 4 10th इज इक्वल टू 7 में से माइनस 4 करेंगे 3 10 का 10 तो 3 10th। 20 नंबर है 7 upon 10 माइनस 4 upon 10 इज इक्वल टू 3 10th। 3 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्स। नंबर 1 7 upon 23 प्लस 5 upon 23 7 and 5 12 23 कॉमन लेंगे तो 12 upon 23 ए है यहाँ 5 upon 23 बी 22 upon 23 सी 7 upon 23 एंड डी 10 upon 23। राइट आंसर इज 7 upon 23 इंडेक्स रिटर्न लिखेंगे सी। नंबर 2 2 × 3 upon 5 प्लस 2 upon 5 टू 5 2s are 10 एंड 3 13 upon 5 प्लस 2 upon 5 13 and 5 13 into 5 5 upon
क्या है 15, 5 2 10 एंड 3, 10 एंड 3 13 एंड 2 15, 15 अपॉन 5, 5 1 5 एंड 5 3 15, तो राइट आंसर इज 3, ए में है 5, बी 3, सी 8 एंड डी 3 इंटू 2 अपॉन 5, राइट आंसर इज 3, बी। नंबर 3, द फ्रैक्शन 3 अपॉन 7th इज इक्विवेलेंट टू 9/21th, 21st, 9/21st है, 3 अपॉन 7 इज इक्विवेलेंट, 3 3 are 9 एंड 3 7 are 21 इक्वल हुआ, तो 3 अपॉन 7 इज इक्विवेलेंट टू 9 अपॉन 21। नियर नंबर ए 7/3, बी 4/7 एंड सी 3/4, डी है 9/21, राइट आंसर इज डी। नंबर 4, इफ x/3 इज इक्वल टू 18/27, क्या है 3 6 are 18/27 है, देन x इज इक्वल टू यहाँ आएगा b, 9 1 9 9 2 18 एंड 9 3 27, x इज इक्वल टू आएगा 2, बिकॉज 9 2 18, सो x इज इक्वल टू 2। हियर a 1, b 2, c 3, d 4, राइट आंसर इज 2, x इज इक्वल टू 2। 5, इफ द फ्रैक्शन 1/7 इज रिटन विथ डेनोमिनेटर 77, इट्स न्यूमरेटर विल बी 7, 7 1 7, क्या है इसका न्यूमरेटर विल बी 7, यह ए 11, बी 7, सी 77 एंड डी 14। 6, द फ्रैक्शन 11/17 lies between the integers 11 and 17, A 11 and 17, B 11 and 11, C 0 and 1 and D 1 and 17. Number 6, the fraction 11/17 lies between the integers 0 and 1. And this answer is, इसका index letter C है, right here C. 7, number, the smallest of the following fraction is A 6/17, B 6/23, C 6/7 and D 6/47, its index letter is D. यहाँ लिखेंगे 6/47, 8 4 into 1/5 is a mixed fraction, proper fraction, mixed fraction, C whole number and D improper fraction, right answer is fixed mixed fraction, its index letter is B, so right here B, mixed fraction. 9, number, if 6/15 is equal to 1, then x is equal to 15. 15 1s are 15 is equal to 1, so x is equal to 15. A 1, B 30, C 15, D 5. Right answer is 15, C. Right here C. 10, number, 7/12 is equal to 35/16. क्या होगा यहाँ पर 60, तो यहाँ आएगा इक्वल, ए लेस देन, बी मोर देन, सी इज इक्वल टू एंड डी
मोर देन इक्वल, 11 टू अपॉन 7 लेस देन टू 7 अपॉन 12. सो इंडेक्स लेटर इज ए मोर ए लेस देन, यहाँ जो है 2 अपॉन 7 लेस है, छोटा है 7 अपॉन 2 से, तो यहाँ लिखेंगे लेस देन ए लेस देन, यहाँ लिखेंगे लेस देन ए, इसका इंडेक्स लेटर है ए, यहाँ लिखेंगे ए. 12 टू अपॉन 11 प्लस 13 अपॉन 11 प्लस 4 अपॉन 11, यहाँ कॉमन 11 लेंगे, थ्रू 3 5 और 4 9, 9 अपॉन 11 ए है ऑप्शन इसका, 24 अपॉन 11 बी 5 अपॉन 11 सी 7 अपॉन 11 डी 9 अपॉन 11, इट्स इंडेक्स लेटर डी. 13 24 अपॉन 28, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, इज सिंप्लीफाइड एज 6 अपॉन 7. ए 28 अपॉन 24 बी 6 अपॉन 7 सी 7 अपॉन 6 डी 1 इंटू 1 अपॉन 6, राइट आंसर इज बी 6 अपॉन 7. 14 17 अपॉन 7 इज इक्वल टू द मिक्सड फ्रैक्शन 2 इंटू 3 अपॉन 7. ए 1 इंटू 7 अपॉन 17 बी 7 इंटू 2 अपॉन 3 सी 2 इंटू 3 अपॉन 7 एंड डी 17 इंटू 1 अपॉन 7, राइट आंसर 2 इंटू 3 अपॉन 7 सी. नंबर 15 फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड ए लाइक फ्रैक्शंस बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बी मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड डी अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट हियर अनलाइक फ्रैक्शंस डी. फोर नंबर राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8 अपॉन 12 इज 4 अपॉन 3, यह यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट फॉल्स. 2 नंबर 25 अपॉन 5 इज अ होल नंबर, ये आएगा ट्रू बिकॉज 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25, कुछ रिमाइंडर रहता नहीं है, यहाँ आएगा 5 होगा, तो ये क्या है होल नंबर है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 3 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो 114 और ये है 2, ये क्या है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज यहाँ कॉमन 2 ही आएगा और यहाँ आएगा 4, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग है, राइट हियर फॉल्स. 4 2 इंटू 5 अपॉन 6 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन ट्रू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हैगा, यहाँ लिखेंगे ट्रू. 5 2 इंटू 3 अपॉन 4 लाइज डाउन लाइज बिटवीन 3 एंड 4 ऑन अ नंबर लाइन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर 6 16 अपॉन 17 इज द स्मॉलर ऑफ द टू फ्रैक्शंस 16 अपॉन 19 एंड 16 अपॉन 17, फॉल्स. 17 नंबर 7 16 अपॉन 24 एंड 24 अपॉन 36 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 8 नंबर 7 अपॉन 6 इज द ग्रेटर ऑफ द टू फ्रैक्शंस 7 अपॉन 6 एंड 6 अपॉन 7, ट्रू. 9 सम ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट हियर फॉल्स.
नंबर 10 द फ्रैक्शन 19 अपॉन 57 इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म. स्टेटमेंट इज फॉल्स. 11 द सम ऑफ 4 अपॉन 11 एंड 7 अपॉन 11 इज 11 अपॉन 22. This statement is wrong, so we write here false. 12 number 22 upon 25 minus 9 upon 25 is equal to 13 upon 25. देखो 25 लेंगे one common, 22 में से minus 9 करेंगे तो remaining here 13. But 13 upon 25, this statement is true. So we write here true. Number 5. Write the fraction of the shaded portion of the figure. यहाँ लिखेंगे हम fraction लिखेंगे जो shaded भाग किया हुआ है उसका. देखिए यहाँ पर कितने parts हैं total 1, 2, 3, 4. 4 में से 1 parts पे shade किया गया है, shaded portion है, तो हम लिखेंगे 1/4. Here two total parts लिखेंगे और कितने पे shade है, 1 part पे है, 1/2. Here 1, 2, 3, 4, 4 parts से total लिखेंगे नीचे, उसमें से कितने भाग shaded portion हैगा, 1, 2, 3, तो write here 3/4. Here 1, 2, 3 total parts 3 and 2 part पे shaded form portion बताया है यहाँ, तो 2/3 total नीचे लिखेंगे जितने पे shaded किया गया shaded portion है वो उसको ऊपर लिखेंगे, numerator में लिखेंगे तो हुआ 2/3. 1, 2, 3 total 3, 1 shaded portion है तो 1/3. 6 नंबर है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द लाइनेड पोर्शन ऑफ द फिगर. अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, टोटल नंबर है 8, तो कितने पे इस यहाँ पर लाइनेड पोर्शन है, यहाँ 1, 2, 3, 4, तो 4/8. हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 इसके टोटल पार्ट्स हैं, कितने पे शेड किया गया है इसपे, 1, 2, 3, 4, 5, सो राइट हियर 5/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल पार्ट्स है 12, कितने पे है यहाँ पर, कितना लाइनेड पोर्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो यू राइट हियर 6/12. नंबर 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल पार्ट से है 18, कितने पे शेडेड किया गया पोर्शन लाइनेड पोर्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो वी राइट हियर 9/18. नंबर 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 टोटल पार्ट्स 19 है, कितने पे शेड किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, सो वी राइट हियर 5/19.